चार मेंबर हमको क्लास क्लोरोफाइसी के अंतर्गत पढ़ने हैं। आज इसी को कंटिन्यू करते हुए हम क्लास क्लोरोफाइसी का लेकर आ रहे हैं पहला मेंबर उडोगोनियम। कौन सा? उडोगोनियम। इसके बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है, देखिए पहले बता दूं मैं आपको कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। इसके मेनली हमको चार टॉपिक पढ़ने होते हैं प्रत्येक सदस्य के। पहला जो टॉपिक है, पॉइंट है, वह है क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन पढ़ना है, इसकी वर्गीकृत स्थिति पढ़नी है पूरा। सेकंड पढ़ना है इसका हमको हैबिट एंड हैबिटेट। क्या पढ़ना है? हैबिट एंड हैबिटेट, आवास और स्वभाव पढ़ना है। तीसरा पढ़ना है हमको इसमें, वह है इसकी थैलस स्ट्रक्चर। क्या पढ़ना है? थैलस स्ट्रक्चर पढ़ना है। चौथा जो पॉइंट पढ़ना है, फोर्थ पॉइंट, वह है रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्शन, या कह दें हम इसका लाइफ साइकिल। ठीक है, क्या पढ़ना है? लाइफ साइकिल या रिप्रोडक्शन पढ़ने हैं। तो ये जो चारों मेंबर हैं हमारे, उडोगोनियम, कोलियोकीट, वॉल्वॉक्स एंड कारा, इनके हमके चार पॉइंट्स पढ़ने, क्लासिफिकेशन, आवास एवं स्वभाव, थैलस स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन या लाइफ साइकिल, ये हमको पढ़ने हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना पहला जो एल्गी है वह है उडोगोनियम। उडोगोनियम के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला, अभी जैसे अभी मैंने पहले बताया आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो उसका पहला टॉपिक हम देखें तो वह है क्या? क्लासिफिकेशन। कौन सा टॉपिक है? क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन में हमको क्या पढ़ते हैं, हम टैक्सॉन होते हैं, हमारी एक वर्गीकरण की श्रेणियां होती हैं। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो हमारा क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये आदि हम पढ़ते हैं कि कौन से वर्ग में आते हैं। तो अभी हम कौन सा क्लास पढ़ रहे हैं? क्लोरोफाइसी। तो इसकी जो क्लास है, वर्ग है, वह क्या है? क्लोरोफाइसी के अंतर्गत ये है आते हैं। कौन सी क्लास के अंतर्गत आता है? उडोगोनियम, क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आता है। ऑर्डर जो है, ठीक है, क्लास के बाद कौन सा टैक्सोन आता है? ऑर्डर। ऑर्डर जो है वह है उडोगोनियल्स। ठीक है, कौन सा ऑर्डर? उडोगोनियल्स। तीसरा जो है ऑर्डर के पश्चात जो टैक्सोन आता है वह आता है फैमिली। ठीक है, फैमिली जो है वो कौन सी हो जाएगी इसकी? उडोगोनियेसी। कौन सी फैमिली? उडोगोनियेसी। फोर्थ जो है इसके पश्चात कहा जाता है हमारा जीनस। ठीक है, वंश, जीनस मतलब वंश, वो है उडोगोनियम। क्या? उडोगोनियम। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है, क्लास वर्गीकृत स्थिति है। क्लास कौन सी हो गई? क्लोरोफाइसी। ऑर्डर उडोगोनियम, फैमिली उडोगोनियेसी एंड जीनस उडोगोनियम, ये इसकी क्या है? क्लासिफिकेशन कंडीशन है। क्लासिफिकेशन कंडीशंस के पश्चात हम देखते हैं इसके क्या हैबिट एंड हैबिटेट। ठीक है, आवास एवं स्वभाव। आवास एवं स्वभाव के अंतर्गत देखें हम कि यह जो उडोगोनियम है किस प्रकार के आवासों में पाया जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था क्लोरोफाइसी सामान्य लक्षणों में कि इसकी जो 90% जातियाँ होती है वो स्वच्छ जल में निवास करती हैं, स्वच्छ जल में वृद्धि करती हैं। कुछ ही जातियाँ ऐसी हैं जो कौन से जल में पाई जाती हैं, लवणीय या समुद्री जल में पाई जाती हैं। तो हमारा जो ये है उडोगोनियम जो है, ठीक है, वह कैसा है? अलवणीय जलीय, अलवण जलीय, या कह दें हम स्वच्छ जलीय। ठीक है, स्वच्छ जलीय। कैसा शैवाल है? अलवणीय जलीय शैवाल है। ठीक है, जो कि मुख्य रूप से किस प्रकार के आवासों में पाया जाता है? किस प्रकार के जल में? शांत जल में पाया जाने वाला शैवाल है। ठीक है, शांत जल की बात करें तो शांत जल में कौन कौन से आवास आते हैं? जैसे जलकुंड, पोखर, ठीक है, तालाब आदि स्थानों पर ये वृद्धि करते हैं। ठीक है, कैसे स्थानों पर वृद्धि करते हैं? जलकुंड, पोखर, तालाब आदि स्थानों पर वृद्धि करते हैं। इनका स्वभाव देखें तो जो उडोगोनियम है वह कैसा शैवाल है? एक तंतुल अशाखित शैवाल। कैसा शैवाल है? तंतुल अशाखित शैवाल है। ठीक है, अब जैसे कि देखें हम कि इसकी सभी जातियां जो हैं मोस्टली कैसी होती हैं? जलीय वातावरण में पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन बात करें हम इसकी दो स्पीसीज जो हैं, कितनी स्पीसीज? दो स्पीसीज जो हैं वह कौन से जल में पाई जाती है? स्थलीय आवास में पाई जाती है।
आवास में पाई जाती हैं, स्थलीय आवास में पाई जाती हैं, जैसे नम मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में? नम मिट्टी में वृद्धि करती हैं, जिसमें से पहली जो जाति है वह है उडोगोनियम टेरिस्ट्रिस। कौन सी जाति? उडोगोनियम टेरिस्ट्रिस। दूसरी जो जाति है वह है उडोगोनियम रंधावी। कौन सी? उडोगोनियम रंधावी। ये ऐसी दो जातियां हैं जो कि किस प्रकार के आवास में पाई जाती हैं? स्थलीय आवास में, नम मिट्टी में वृद्धि करती हैं। यहाँ से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनता है आधे नंबर का आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में कि उडोगोनियम के किन्हीं दो स्थलीय जातियों के नाम लिखिए। तो ये आपको याद रखना है, स्पेशली उडोगोनियम टेरिस्ट्रिस एंड उडोगोनियम रंधावी, तथा इसके अलावा सभी जातियाँ कैसे आवासों में पाई जाती हैं? जलीय शैवालय जलीय आवासों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करें हम इसमें कि इसकी विश्व भर में या भारत में कुल कितनी जातियाँ इसकी पाई जाती हैं उडोगोनियम की। तो पूरे विश्व में बात करें हम, वर्ल्ड में बात करें तो इसकी वर्ल्ड में कितनी जातियाँ पाई जाती हैं? 400 स्पीसीज पाई जाती हैं। तथा इंडिया की बात करें कि इंडिया में कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं, तो इंडिया में इसकी लगभग 200 जातियाँ ज्ञात हैं। कितनी जातियाँ ज्ञात हैं? 200 जातियाँ। विश्व में 400 जातियाँ और इंडिया में कितनी जातियाँ ज्ञात हैं? 200 जातियाँ ज्ञात हैं। 200 जातियों में से कुछ एग्जाम्पल देखें हम, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल याद रखें, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है आयत नंबर का, उडोगोनियम की किसी दो भारतीय जातियों के नाम लिखिए। तो आपको याद रखना है, जैसे पहली है उडोगोनियम कॉर्डिएकम, कॉर्डिएकम, ठीक है। ये है उडोगोनियम इरियोलेटम, इरियोलेटम, ठीक है। उडोगोनियम आर्मीजेरम, आर्मीजेरम, ठीक है। उडोगोनियम एलिगेंस, उडोगोनियम एलिगेंस। ये कुछ ऐसी है 200 जातियों में से एक दो जातियों के नाम याद रखने हैं आपको, तो ये दो जातियों के नाम याद रख लेना। आधे नंबर का क्वेश्चन आता है उडोगोनियम कॉर्डिएकम, उडोगोनियम इरियोलेटम, उडोगोनियम आर्मीजेरम, उडोगोनियम एलिगेंस। ये कौन सी जातियां हैं? भारतीय जातियां हैं। तो ये हमारे किसकी बात हो गई? आवास और स्वभाव की। दोबारा से देखें, कैसा शैवाल है? एलवण जलीय शैवाल है, शांत जलों में पाया जाता है, तंतुलेशा की शैवाल है। इसकी सभी जातियां जल में पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन दो जातियां ऐसी हैं जो कौन से आवासों में पाई जाती हैं? स्थलीय आवासों में पाई जाती हैं, जैसे टेरिस्ट्रिस और एन रंधावी। विश्व में इसकी 400 जातियां ज्ञात हैं, भारत में इसकी 200 जातियां ज्ञात हैं। कुछ एग्जाम्पल्स है कॉर्डिएकम, इरियोलेटम, आर्किजेरम एंड एलिगेंट। ये भारतीय जातियों के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके पश्चात हम जो अपने मेन टॉपिक है आज का, ठीक है, वह है उडोगोनियम के थैलस स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ठीक है, बाह्य आकार की, इसकी थैलस की। तो आज हम अपना मुख्य टॉपिक पढ़ रहे हैं, वह क्या है? उडोगोनियम का थैलस स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या है? थैलस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखें इसके थैलस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें हम, तो अभी हमने पढ़ा कि उडोगोनियम है जो कैसा शैवाल है? तंतुल शैवाल है। कैसा शैवाल है? तंतुल शैवाल है। तथा इसका तंतु जो होता है थैलस का, वह कैसा होता है? अशाखित। तो पहला यही पॉइंट है कि जो उडोगोनियम है वो कैसा शैवाल है? तंतुल अशाखित शैवाल है। कैसा शैवाल? तंतुल अशाखित शैवाल है, ठीक है। अब अशाखित है तो इसमें किसी भी प्रकार की शाखाएं नहीं होती, ब्रांचिंग नहीं पाई जाती। इधर देखते हैं हम, इधर आए डायग्राम देखें हम, तो इसका ये क्या है? उडोगोनियम का एक तंतु थैलस है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि ये जो है तंतु है, थैलस है, वो कैसा? बिल्कुल तंतुनुमा पाया जाता है और अशाखित होता है। तथा इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, कोशिकाएं जो होती हैं वो एकांतर क्रम में, एक निश्चित क्रम में विन्यासित पाई जाती हैं। यानी सभी कोशिकाएं जो हैं थैलस में, कितनी कोशिकाएं? सभी कोशिकाएं, ठीक है, एक पंक्तिक, जैसे एक पंक्तिक क्रम में विन्यासित रहती हैं, एक पंक्तिक क्रम में विन्यासित रहती हैं, ठीक है। यानी एक के ऊपर एक लगी रहती है,
कोशिकाओं के बारे में स्पेशली याद रखने हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन सी कोशिकाएं, एक तो देखिए ये है जो आपकी एपिकल सेल, कौन सी सेल, एपिकल सेल, तथा दूसरी जो सेल है आपकी कौन सी सेल, होल्ड फास्ट, कौन सी सेल, होल्ड फास्ट। ये दो सेल मोस्टली आपको याद रखनी है थैलस स्ट्रक्चर में, बाकी तो सब नॉर्मल बातें। एपिकल सेल देखें तो आपको देखें कि एपिकल सेल जो है कहाँ पर स्थित है, बिल्कुल शीर्ष पर स्थित होती है, थैलस के सबसे दूरस्थ छोर पर पाई जाती है, ठीक है। शीर्ष पर स्थित होती है, कैसी होती है, लंबी होती है, चपटी होती है, गोलाब होती है, तथा थोड़ी सी हल्की सी रोमल प्रवर्ध के रूप में ये पाई जाती है, तथा कैसी होती है, ये ग्रीन कलर की होती है, रंगीन होती है, ग्रीन कलर की पाई जाती है। तथा दूसरी सेल देखें हम जो है इधर सबसे निचली सेल, होल्ड फास्ट है, सबसे निचली सेल कह सकते हैं इसको, सबसे आधारीय कोशिका कह सकते हैं, ठीक है। यह सेल जो होती है कैसी होती है, देखो इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं, इसलिए ग्रीन होती है, जबकि जो होल्ड फास्ट है, ठीक है, वह कैसी सेल से है, होल्ड फास्ट कलरलेस सेल होती है, तो क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। होल्ड फास्ट जो है एक एक प्रकार से किसके रूप में कार्य करती है, थैलस के अटैचमेंट डिस्क के रूप में कार्य करती है। होल्ड फास्ट के द्वारा ही इसका जो संपूर्ण थैलस है किसी अधः स्तर से सब्सट्रेट से जुड़ा रहता है, बिल्कुल चिपका हुआ रहता है, ठीक है। होल्ड फास्ट थैलस को किसी अधः स्तर से जोड़ने का कार्य करता है। तो यहाँ पर देखें हमने पूरी थैलस स्ट्रक्चर में कितनी सेल्स हैं, पहली जो सेल्स है वह कौन सी सेल है, एपिकल सेल, ठीक है, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं शीर्षस्थ कोशिका, कौन सी कोशिका, शीर्षस्थ कोशिका। इस कोशिका की क्या विशेषता होती है, देखें कि शीर्षस्थ कोशिका है वो कहाँ पर स्थित होती है, दूरस्थ छोर पर स्थित, ठीक है, के कहाँ पर स्थित, दूरस्थ छोर पर स्थित होती है। इसकी आकार आकृति के बारे में बात करें तो कैसी होती है, लंबी होती है, चपटी होती है, गोल होती है, अर्धगोलाकार होती है, ठीक है, तथा यह रोमिल प्रवर्ध के रूप में पाई जाती है, किसके रूप में पाई जाती है, रोमिल प्रवर्ध के रूप में पाई जाती है। कैसी होती है, ये रंगीन होती है, कैसी होती है, रंगीन होती है। तो ये एपिकल सेल। दूसरी सेल्स के बारे में बात करें हम तो दूसरी सेल है वह कौन सी है, होल्ड फास्ट, कौन सी सेल, होल्ड फास्ट, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में स्थापांग कोशिका, कौन सी कोशिका, स्थापांग कोशिका कहते हैं। स्थापांग कोशिका की क्या विशेषताएं होती है, पहली जो विशेषता है सबसे आधारीय कोशिका है, जैसी कोशिका है सबसे आधारीय कोशिका है, सबसे नीचे पाई जाती है, ठीक है। कैसी होती है ये, यह रंगहीन होती है, कैसी होती है, रंगहीन होती है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, इसलिए ये कलरलेस होती है। तीसरी, इस कोशिका में क्या नहीं पाई जाती, सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल भी क्या होती है इसकी, एब्सेंट पाई जाती है। तथा इसका जो फंक्शन है, ठीक है, जो कार्य है वह क्या है, इसका प्रमुख कार्य क्या है, थैलस को, इसको थैलस को सबस्ट्रेट यानी किसी अधो स्तर से जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। क्या है इसका प्रमुख कार्य, थैलस को अधो स्तर से जोड़ने या चिपकाने का कार्य करती है। तो ये इसके थैलस स्ट्रक्चर की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। तथा कुछ और विशेषताएं देखें हम कोशिका इसमें बात करें तो एक क्या पाई जाती है इसमें, उबोनियम अंडधानी स्थित होती है, जिसके अंदर क्या उपस्थित होता है, क्या क्या निर्मित होता है, एक अंड कोशिका निर्मित होती है। तथा इसमें जो कुंधानियाँ हैं वो एक निश्चित क्रम में अनेक कुंधानियों का निर्माण होता है, जो कि एक चैन के रूप में श्रृंखला के रूप में विन्यासित होती हैं, ठीक है, जिनके अंदर किसका निर्माण होता है, कूमणुओं का निर्माण होता है। तो ये इसके क्या है, थैलस स्ट्रक्चर। लेकिन यदि हम देखें तो इसमें देखो दो सेल है, एक तो एपिकल सेल और एक होल्ड फास्ट, दोनों अलग अलग प्रकार की होती है, एक शीर्ष पर और एक आधारीय। इस प्रकार की जो संरचना है, ठीक है, थैलस को क्या प्रदान करती है, एपिकल वेसल पोलैरिटी प्रदान करती है, थैलस स्ट्रक्चर को क्या प्रदान करती है, एपिकल वेसल पोलैरिटी, ठीक है, शीर्षस्थ आधारीय ध्रुव
बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ऐसे किसी थैलस का नाम बताइए जिसकी संरचना में ध्रुवता पाई जाती है, शीर्षस्थ आधारीय ध्रुवता पाई जाती है, तो वह कौन सा शैवाल है? हमारा यूडोगोनियम। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई हमारी थैलस स्ट्रक्चर की बात। ठीक है, अब देखते हैं हम कौन सी इसकी सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किसी एक पर्सनल कोशिका की बात करते हैं कि कोशिका की क्या विशेषता होती है। तो इसकी देखो ये आपको यहाँ पर सेल स्ट्रक्चर्स नजर आ रही है, एक सेल है। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर में देखते हैं हम तो इसकी सेल जो होती है, कोशिका जो होती है वह कैसी होती है? इसकी कोशिका बेलनाकार होती है। कैसी होती है? थैलस बेलनाकार वह दीर्घित कोशिकाओं से निर्मित होगा। ठीक है, किससे निर्मित होगा? इसका थैलस पूरा बेलनाकार वह दीर्घित कोशिकाओं से निर्मित होता है। ठीक है, जिसके चारों ओर, ठीक है, पूरी कोशिका के चारों ओर क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल जो होती है इसकी मुख्य रूप से कैसी होती है? थ्री लेयर्ड। कैसी होती है? तीन स्तरीय होती है। पहला जो स्तर है वह क्या कहलाता है? आउटर लेयर। ठीक है, दूसरा जो होता है वह कहलाता है मिडिल लेयर, तथा तीसरी जो लेयर है वो क्या कहलाती है? इनर लेयर कहलाती है, जो कि अलग अलग पदार्थों से निर्मित होती है। जैसा कि मैंने क्लोरोफाइसी में बताया कि सामान्य लक्षणों में कि क्लास क्लोरोफाइसी की सेल वॉल किससे निर्मित होती है? सेलुलोज और पेक्टिन से निर्मित होती है। यहाँ पर देखिए इसकी सेल वॉल थ्री लेयर्ड है, तो इसकी आउटर लेयर है वह तो किससे निर्मित होती है? काइटिन से निर्मित होती है। मिडिल लेयर जो है वह किससे निर्मित होती है? पेक्टिन से निर्मित होती है, तथा इनर लेयर जो है वह किससे निर्मित होती है? सेलुलोज से निर्मित होती है। तो इसकी तीन लेयर हैं सेल वॉल की, जो कि अलग अलग सब्सटेंस से निर्मित होती है। आउटर लेयर काइटिन से निर्मित, मिडिल लेयर पेक्टिन से निर्मित, और इनर लेयर सेलुलोज से निर्मित। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है इसकी कि जो सेल वॉल है, ठीक है, वह कहाँ पर होल्ड फास्ट में, इसमें होल्ड फास्ट में सेल वॉल क्या होती है? अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है। क्या होती है? एब्सेंट पाई जाती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। नेक्स्ट देखें तो इसमें क्या पाया जाता है? सेल में एक सुसंगठित केंद्रक उपस्थित होता है, सुसंगठित केंद्रक उपस्थित होता है। नेक्स्ट जालिकावत क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। कैसा क्लोरोप्लास्ट? जालिकावत क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, जो कि संपूर्ण कोशिका द्रव्य में जाल के रूप में उपस्थित होता है, फैला हुआ रहता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाए जाते हैं? अनेक पाइरेनोइड उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्या उपस्थित होते हैं? अनेक पाइरेनोइड क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सबसे मुख्य विशेषता क्या होती है इसके संपूर्ण कोशिका स्ट्रक्चर की देखें हम तो इसके संपूर्ण इसके शीर्ष पर कुछ कोशिकाओं के शीर्ष पर अनुप्रस्थ पट्टियों की उपस्थिति होती है। ठीक है, कोशिकाओं के शीर्ष पर क्या पाई जाती है? कोशिका के शीर्ष भाग पर, ठीक है, अनुप्रस्थ क्रम में पट्टियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? अनुप्रस्थ क्रम में पट्टियां विन्यासित होती हैं। इन अनुप्रस्थ क्रम की पट्टियों को क्या कहते हैं हम? एपिकल कैप। क्या कहते हैं? एपिकल कैप कहते हैं। तथा ऐसी कोशिका, ठीक है, जिसमें एपिकल कैप उपस्थित हो उस कोशिका को क्या नाम देते हैं हम? एपिकल कैप सेल कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं? एपिकल कैप सेल कहते हैं। तो ये इसकी क्या है हमारी सेल स्ट्रक्चर की विशेषताएं। तो ध्यान रखिए, सेल स्ट्रक्चर में दोबारा बता देता हूँ आपको, बेलनाकार में दीर्घित कोशिकाएं से निर्मित होती हैं, इसके ऊपर सेल वॉल उपस्थित होती है जो कि थ्री लेयर्ड होती है। आउटर लेयर काइटिन से निर्मित, मिडिल लेयर पेक्टिन से निर्मित, इनर लेयर सेलुलोज से निर्मित होती है।
कोशिका में एपिकल कैप उपस्थित होती है, ऐसी कोशिका को क्या कहते हैं हम? एपिकल कैप सेल कहते हैं। तो ये क्या है? यूडोगोनियम की संपूर्ण थैलस स्ट्रक्चर। 5 नंबर का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता रहता है, यूडोगोनियम की थैलस स्ट्रक्चर का वर्णन कीजिए। तो आज हमने वीडियो में क्या पढ़ा? यूडोगोनियम का क्लासिफिकेशन, ठीक है, उसका आवास स्वभाव, थैलस स्ट्रक्चर और सेल स्ट्रक्चर।